हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है रोल ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। तो IBO 4 का ये टॉपिक होने वाला है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है रोल ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। बट इसके पहले और एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से नोट्स आपको बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाए, आपको अगर असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, अगर आपको इतने कोर्स के रिगार्डिंग हर एक जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट और जल्दी से और तुरंत चाहिए, तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप हमारे चैनल के ऊपर पहुंच जाएंगे। चैनल के ऊपर पहुंचने के बाद ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा, जिसको क्लिक करने के बाद आपको इग्नू एमकॉम वाले वाले ऑप्शन में जा करके ज्वाइन का बटन दबाना है, जहां पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको जो भी नोट्स मिलेंगे वो बहुत ही सस्ते दामों पे मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलने वाला है 24/7, जहाँ पे आपको हर एक तरह की क्वेरी का जो है समाधान यहाँ पे किया जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको यहाँ पे ज्वाइन वाले बटन के क्लिक करने के बाद आपको ज्वाइन करना है, मेंबरशिप फी को पे करना है। पे करने के बाद यहाँ पे आपको जो है चैट वाला जो बटन है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ज्वाइन अस एट जो है यहाँ पे चैट का लिंक दिया हुआ, आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और हमारे जो एक्सक्लूसिव जो मेंबरशिप प्लान है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर आपकी वीडियोस ऑर्डर में नहीं है, वीडियोस मिल नहीं रही है, कहाँ है सारी की सारी। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको हमारे चैनल पे आने के बाद जो इग्नू एमकॉम का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, राइट। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा जो जो प्लेलिस्ट है वो खुल जाएगा इग्नू एमकॉम का, जहाँ पे आपको IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहाँ ढेर सारी वीडियोज है जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे, राइट। अब चलिए फिर आज का टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि होने वाला है रोल ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। सो क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट का मतलब पहले समझ लो कि ये लोग कौन होते हैं और इनका क्या रोल होता है, ये हमारा टॉपिक है, राइट। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट वो सारे एजेंट्स होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को किसी भी डॉक से, किसी भी शिपमेंट से उसको एक जो है क्लियर करवाते हैं, या उसको उस जगह से लेकर के कहीं और लेकर के जाते हैं। मतलब जो आपको पर्टिकुलर उस जगह, जब आपने अपना सामान रिसीव करा, इम्पोर्ट आपने करा है, आपने सामान रिसीव करा, तो इम्पोर्ट करने के बाद वहां से उस सामान तक को आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है, या उस सामान को उस जगह से हटाने की जिम्मेदारी जो है, वो क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट के पास होती है ना। अब बात कर लेते हैं उनके रोल के बारे में। तो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, माफी चाहूंगा, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स आर अ लिंक बिटवीन द ओनर्स ऑफ द गुड्स एंड द ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स वो सारे लोग होते हैं जो कि गुड्स के ओनर्स के और ट्रांसपोर्ट के ओनर्स के बीच का जरिया होते हैं। मतलब ये दोनों के बीच के लोग होते हैं जो कि इन दोनों काम को ठीक तरीके से करवाते हैं। अगर ओनर को अपने गुड्स को कहीं पहुंचवाना है तो उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचवाना होगा, तो ट्रांसपोर्ट का जो मालिक होगा और ओनर का जो मालिक होगा, दोनों को साथ में मिलवाने का काम या दोनों का लिंक जो होता है वो फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग एजेंट के थ्रू ही होता है। फॉरवर्डिंग एजेंट और क्लियरिंग एजेंट जो होता है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से, मतलब जो ओनर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उनके तरफ से अपॉइंट किया जाता है, ऑफ कोर्स, है ना। सो दे हेल्प द कार्गो ओनर्स इन एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स टू द बायर्स बाय कंप्लीटिंग अ नंबर ऑफ प्रोसीजरल एंड डॉक्यूमेंटरी फैसिलिटीज, है ना। तो ये लोग, ये जो लोग होते हैं जो जिनको हम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स कर रहे हैं, ये एक तरीके से आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जब भी आप अपने गुड्स को कहीं भेज रहे हो या फिर कहीं से मंगवा रहे हो, तो ये एक तरीके से आपके लिए जो भी प्रोसीजरल जो वर्क होता है, जो भी डॉक्यूमेंटरी फॉर्मेलिटीज होती हैं, ये करने में आपका जो है हेल्प करता है, ताकि आप अपने सामान को कहीं और पहुंचवा सको, है ना। तो उस केस में ये जो एजेंट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये होते हैं। दे आर एक्सपर्ट्स एंड नॉलेजेबल इन लॉज एंड रेगुलेशंस गवर्निंग शिपमेंट ऑफ गुड्स थ्रू द कस्टम्स अथॉरिटी एज वेल एज इन कमर्शियल प्रैक्टिसेस स्पेशली द वंस कंसर्निंग ट्रांसपोर्ट, है ना। नहीं, यहाँ पे वही बात बोलेगी कि ये जो लोग होते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं अपने कामों में, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, इनके पास लॉज एंड रेगुलेशंस की बहुत अच्छी जानकारी होती है कि जब भी जो शिपमेंट है गुड्स का, जब भी वो आता है या जब वो जाता है, तो किस तरीके से उसको जो है मैनेज करना है, किस तरीके से कस्टम अथॉरिटी से बात करनी है,
कमर्शियल प्रैक्टिसेस कौन कौन से होते हैं, क्या क्या लॉज हैं जो कि उनके ऊपर लगाए जाते हैं, तो उन सारे लॉज रेगुलेशंस के बारे में इनको जो है बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होती है किनको, रोल क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स के पास में। सिंस दे आर इन कॉन्स्टेंट टच विद द वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज, चूंकि वो लोग बहुत ज्यादा टच में रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, दे कीप देमसेल्फ अब्रेस्ट विद दी डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ देयर एक्टिविटी। तो चूंकि तकरीबन हर एक गवर्नमेंट के साथ बहुत ही क्लोज फील्ड में होते हैं, तो इनको हर एक चीज की जानकारी होती है, जो भी एक्टिविटी जो भी डेवलपमेंट हो रही है ट्रेड में इंटरनेशनल ट्रेड में, तो इनका जो रोल होता है वो बहुत ही महत्व हो जाता है, तो इनको हर एक चीज की जानकारी जो है वहां पे होती है। इन एडिशन टू फंक्शंस, अपने फंक्शंस के अलावा द एजेंट्स कैन अंडरटेक अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मार्केटिंग लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ गुड्स। तो इनके काम के जो मैंने आपको बताया, इस काम के अलावा वो और भी बहुत तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि वो मार्किंग कर सकते हैं आपके गुड्स के ऊपर को, मार्क पहुंचा सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि कौन सा गुड कहाँ का है, बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी वगैरह, उसकी लेबलिंग कर सकते हैं, और पैकिंग ऑफ गुड्स तो ये कॉमन हो गया, ये तो वो कर ही सकते हैं। अरेंजिंग इंटरनल ट्रांसपोर्ट, इंटरनल जो होगा जो भी आपके कंट्री का जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट होगा उसको अरेंज करना, एडवाइजिंग एक्सपोर्ट्स ऑन ट्रेड लॉज, जो जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनको ट्रेड लॉज जो कानून है उसके बारे में बताना, उसको प्रैक्टिस करवाना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कराता है क्योंकि उसके पास इस चीज की बहुत अच्छी जानकारी होती है। साथ ही साथ ड्यूटी ड्रॉबैक जो क्लेम्स होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स, ये एक्सपोर्टर्स ये वहाँ पे जो है क्लेम कर सकता है ना। ड्यूटी ड्रॉबैक एक तरीके का फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्टर्स को एक तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, तो वो काम भी ये कर सकता है। इनफैक्ट एजेंट्स कैन परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज एक्सेप्ट परहैप्स सेलिंग द गुड्स, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो एजेंट्स होते हैं ये तकरीबन हर एक एक्टिविटी कर सकते हैं, सामान को बेचने के अलावा ये तकरीबन हर एक एक्टिविटी को कर सकते हैं। Above all, the agents act as a troubleshooters for the exporters in case of movement or problem. In case of movement problem, तो जब भी सामान को move करवाने में एक जगह से दूसरी जगह कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी आती है, तो agents जो है एक तरीके से troubleshooter का जो है काम करते हैं। तो इनके कामों को जो है तकरीबन देखो कुछ स्टेप्स में, कुछ ग्रुप्स में बांटा गया, अभी कौन-कौन से काम कर सकते हैं तो उनके बारे में मैं एक-एक करके आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे टोटल 7 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहला है एडवाइजिंग एक्सपोर्टर्स ऑन ट्रेड लॉज, तो जो ट्रेड लॉज होते हैं है ना उसके बारे में एक्सपोर्टर्स को एक तरीके से कानून बताना, उनको एक तरीके से एडवाइस देना कि देखो ऐसे करो आप, लॉ ये कहता है आपको ऐसे करना चाहिए, है ना, तो ये काम करता है। दूसरा है प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, तो ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होगा या जो हैंडलिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होगा वो प्रोवाइड करने का काम जो है फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट का है। तीसरा काम मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है, पैकिंग मार्किंग एंड लेबलिंग, है ना, ये तीसरा काम है जो लोग करते हैं। चौथा है अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, है ना, इंटरनल ट्रांसपोर्ट की जब भी बात की जाती है हम ये सुनेंगे राइट, तो ये काम करते हैं कि ये लोग जो है इंटरनली ट्रांसपोर्ट को अरेंज करते हैं। कंप्लीटिंग कस्टम्स एंड पोर्ट फॉर्मेलिटीज, तो पोर्ट पे या फिर कस्टम में किस तरीके की फॉर्मेलिटीज आपको निभाने की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, ये लोग एक्सपर्ट होते हैं उस काम में, तो ये लोग उस काम को करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। छठा पॉइंट है प्रिपेयरिंग एंड प्रोक्योरिंग डॉक्यूमेंट्स, है ना, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना और प्रोक्योर करना मतलब शो करना जब भी जरूरत पड़े, तो वो काम करने का काम जो है ये करते हैं। सातवा नंबर पॉइंट है एजुकेटिंग एक्सपोर्टर्स ऑन द डेवलपमेंट्स इन द ट्रांसपोर्ट, तो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स है ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें हुई हैं जिनके बारे में एक्सपोर्टर्स को पता होना चाहिए, तो उनको एजुकेट करना, उनको बताना कि देखो ऐसे ऐसे काम होता है, अब ये सारे डेवलपमेंट्स हो गई हैं, है ना। तो ये जो सारे काम मैंने आपको बताया सातों काम, ये काम जो होते हैं वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स के होते हैं। तो ये हमारा 11वां पॉइंट था, आई मीन ये वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको रोल ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।